मैं हूं शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी सूजी के मोदक, और वो भी बिना मोल्ड का, बिना साचा का आप बहुत ही अच्छा तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में, और बहुत ही जल्दी आप इस तरह से मोदक बना करके रेडी कर सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सूजी के मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कटोरी के बराबर सूजी, आधा कटोरी के बराबर मैंने लिया है मिल्क मेड, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं, और 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर घी लिया है, और 2 कटोरी के बराबर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। आप दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सूजी में दूध डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्स्चर आता है। और स्टफिंग के लिए मैंने लिया यहाँ पर खोआ, ये मैंने घर पर बनाया है मिल्क पाउडर से, आप बाजार का भी खोआ ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ केसव और आलमंड्स कट करके लिए हैं, आप इसकी जगह अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर 4 चम्मच के बराबर मैंने पीसी हुई चीनी लिया है, मैंने चीनी थोड़ा कम लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच के बराबर मैंने इलायची पाउडर लिया है। तो ये रहे हमारे सारे इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई अच्छी तरह से गरम हो चुकी है, तो अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी, और आंच को हम मीडियम रख देंगे नहीं तो सूजी जल जाएगी, और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए रोस्ट करेंगे। सूजी को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट तक लगातार भूनने के बाद सूजी का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे 2 कटोरी जो मैंने दूध लिया है उसे, आराम से हम दूध डालेंगे, लम्स नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैंने घी यूज किया है, घी यूज करने से लम्स नहीं पड़ते हैं। आज को हम मीडियम रहने देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से सोख ले दूध को। ऐसे लगातार मिक्स करते रहने से दूध को अच्छी तरह से सोख लेगा सूजी, और एक सॉफ्ट डो की तरह बन जाएगा। तो हम इसे ऐसे लगातार मिक्स करते रहेंगे, आप देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है। अब हमारा ये सूजी का डो अच्छी तरह से बन करके रेडी हो गया है। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी ये जो डो है वो बहुत ही गर्म है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए हम मावा में चीनी और ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अभी स्टफिंग हमारी रेडी है। अभी जो सूजी का डो है वो हल्का गर्म है, तो हम हथेली में थोड़ा सा घी लगाकर और इसे आटा की तरह गूंथेंगे। हमें सूजी के डो को बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, क्योंकि एकदम से ठंडा कर दिया तो सेप नहीं बन पाएगा। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें हल्का गर्म ही गूंथना है, और इसे गूंथते हुए हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो अभी ये सूजी का डो बन करके एकदम रेडी हो गया है। तो अभी हम सूजी में से छोटी सी लोई निकालेंगे और इसे गोल करेंगे। गोल करने के बाद हम इसे उंगली से दबाते हुए एक कटोरी का आकार देंगे, जिसमें हम स्टफिंग को डाल करके अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और मैंने इसे अब चारों तरफ से बंद कर लिया है और इसे मोदक का आकार दे दिया है। तो अब हम एक फोक से हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, जिससे एक लाइनिंग हो जाएगी, जिससे मोदक अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से आप बिना सांचे के भी अच्छा मोदक तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा मोदक बन करके रेडी हो गया है। और बाकी के बचे हुए मोदक को भी हम ठीक इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
और अभी हमारे सारे मोदक बन करके रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बिना सांचे के भी कितने अच्छे मोदक बन करके रेडी हुए हैं। हमें इसे भाप में पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूजी ऑलरेडी पकी हुई है, तो अभी भोग लगाने के लिए एकदम तैयार है। यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको हमारी ये सूजी के मोदक बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।